सड़के तोड़ बनवाने पे अगर मंदिर मस्जिद आते हैं आप तोड़ दो, कि कोई भी रुकावट आए, मस्जिद है, मंदिर है या कोई भी गिरजा मंदिर, तो वो हटना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो रोड के बीच में रुकावटें आ रही हैं गवर्नमेंट के किसी भी काम में, उनको हटा कर दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर विकास के कार्य में कोई भी बाधा आती है तो उसको हटाना ही सही है। हटाना जरूरी है तो हटा भी सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, निकलने में जनता को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका हटाना भी जरूरी है। देखो, सड़क पर कोई विकास कार्य के लिए कोई काम हो रहा है, अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी आए तो मेरे हिसाब से उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि विकास सबसे प्रथम चीज होती है। देखिए, जिस तरह से यूपी सरकार जो है वो बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर भी दोषी पाया जाता है कोई या जहां पर भी गलत काम होते हैं, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि यूपी सरकार के जो सरताज हैं योगी आदित्यनाथ, वो तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से हमारे देश में विकास का काम चल रहा है, देश का सुंदरीकरण चल रहा है, ऐसे में जगह जगह सड़कों की जो समस्या है उनको सुधारने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन सड़कें बनाने के बीच में कहीं मस्जिद पड़ता है तो कहीं मंदिर पड़ता है, और इसको तुड़वाने को लेकर बहुत सारे समुदाय जो हैं आपस में भिड़ते हैं और कई सारे विवाद होते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि सड़क का काम रुक जाता है, क्योंकि कोई कहता है मंदिर नहीं टूटेगा और कोई कहता है मस्जिद नहीं टूटेगी। लेकिन जो है न्यायालय ने ये पास कर दिया है कि परमिशन दे दी है उन्होंने कि अगर सड़क बनवाने में कहीं पे भी बीच में मंदिर या मस्जिद बाधा बनती है तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। सड़कें बनवाने पे अगर मंदिर मस्जिद आते हैं बीच में, तोड़ दो। अगर विकास के कार्य में कोई भी बाधा आती है तो उसको हटाना ही सही है। और रही यूपी की बात, यूपी में जो रोडे हैं हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, हम भी बहुत ज़्यादा यूपी के अंदर विकास हुआ है, वही विकास हम दिल्ली के अंदर चाहते हैं, जो कि अभी एक मुद्दा था रोड का ही, भजनपुरे में मस्जिद भी हटी है और मंदिर भी हटा है, मेट्रो आने के कारण वहाँ से दोनों चीज़ हटाई गई हैं, रास्ता नैरो हो रहा था वहाँ, उसको चौड़ाकरण किया गया उसका। तो हम तो कहेंगे कि दिल्ली में भी योगी सरकार, मतलब बीजेपी सरकार आनी चाहिए, और विकास के कार्य में जो भी रोड़े आ रहे हैं उनको साइड करो। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? देखिए, हर चीज की एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने ये आदेश पारित किया है कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं और आपको 10 पेड़ उनकी जगह लगाने चाहिए, तो मंदिर और मस्जिद के लिए भी हो सकता है। भाई, आप वैकल्पिक व्यवस्था करो उनको कहीं और अच्छी सी जगह पर, जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैं ज़्यादा दिक्कत ना आ रही हो, आप उनको वहाँ जगह दे दो। मेरे ख्याल से इस विषय में कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर तो वैकल्पिक व्यवस्था हर चीज़ का हल है, बीच का हल निकालो तो सबके लिए बढ़िया है, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। सड़क निर्माण के बीच में अगर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा पड़ता है तो कोर्ट ने आदेश किया कि उनको तोड़ा जा सकता है, इस आदेश पर आप कितना समर्थन? मैं पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये जो रुकावट है, अगर ऐसी कोई भी रुकावट आए, मस्जिद है, मंदिर है या कोई भी गिरजा मंदिर, तो वो हटना चाहिए, और ये फैसला मुझे सही लगता है। देश पारित किया है कि सड़क निर्माण में अगर बीच में मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा पड़ता है तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, इस आदेश से आप कितना समर्थन? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि जो रोड पे साइड में या बीच में, जो बीच में पड़े, बिल्कुल फुटपाथ के बीच में दोनों तरफ, जिसकी वजह से सड़क निर्माण रुक सकता है, हाँ, उस चीजों को मेरे हिसाब से सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मामले हैं, इनमें लोगों को हाथ पहुंचती है, उनकी जगह साइड में कहीं भी अच्छा सा उससे बड़े बना के दे, गवर्नमेंट तोड़े जरूर लेकिन बना के दे, ये धार्मिक आस्था है, ये कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए उन्हें, लोगों को लगना चाहिए हाँ ये हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ से हटा के आप लोगों के सुविधा दे रहे हैं और प्लस साइड में बना के आपके धर्म की इज्जत कर रहे हैं। बाबू जी ने आदेश दिया है, जो कहा है वो बिल्कुल समझ है, जो ठीक है, यदि कहीं पड़ता है तो उसको हटाया जाए, लेकिन उसकी आस्था कहीं बनाया जाए, क्योंकि लोगों का आस्था उससे टूटे ना, इसीलिए हमारा यही आदेश है, तो कहना यही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी पड़ता है तो अब उसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो रोड के बीच में रुकावटें आ रही हैं गवर्नमेंट के किसी भी काम में, उनको हटा कर दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, और कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट के काम में मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप कुछ कह रही थी मैम? मैम, ये मंदिर मेरा ही है, ये मंदिर हट कैसे जाएगा? जिस इंसान ने अपनी जान भी दे दी उस मंदिर को हम हटा कैसे देंगे? नहीं, इस मंदिर की बात नहीं,
हाँ, जैसे में पढ़ने वाले मंदिर सड़क निर्माण के बीच में अगर कोई बाधा बनती है वो तो कर दो, वो हमें मुसीबत नहीं है, वो तो तुम बिल्कुल क्लियर कर दो, उसके लिए तो हम खुद भी खड़े हैं। हटाना जरूरी है तो हटा भी सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, निकलने में जनता को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका हटाना भी जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरी जगह, शिफ्ट कर देना चाहिए, जिस तरह से हटा के, जैसे वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह जमीन दे के शिफ्ट कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मेरा तो कहना यह है कि बात घूम फिर के वहीं आती है विकास के लिए, वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुविधा के लिए ये चीजें की जा रही हैं। कोई अगर कोई प्राचीन है, कोई प्राचीन इमारत है या कोई प्राचीन मंदिर है या कोई प्राचीन गुरुद्वारा है, प्राचीन कोई चीज है तो उसको मान सम्मान करते हुए रास्ते और भी कट के निकल जाते हैं। आज से पहले भी ऐसे हुआ है, कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा। आप कितनी सड़कें देखोगे, कितनी सड़कें घुमा के निकाली गई हैं। तो अगर जगह है, व्यवस्था हो सकती है तो किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। अगर कोई प्राचीन है इस तरह की और अभी सोचते हैं कि 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी बनी हुई है कोई, उसके लिए संघर्ष किया जाए, विद्रोह किया जाए, आंदोलन किया जाए, वो ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सड़क पर कोई विकास कार्य के लिए कोई काम हो रहा है, अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी आए तो मेरे हिसाब से उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि विकास सबसे प्रथम चीज होती है। रही बात आस्था की, आस्था सबकी है, अगर बहुत प्राचीन मंदिर है या कोई चीज ऐसी विषय है जिसको लोगों की, बहुत लोगों की आस्था जुटी है, तो उसको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, परंतु विकास का कार्य नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि विकास सबसे प्रथम होता है। मान लो सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहा है, वहाँ पे कोई चीज ऐसी आ रही है तो वो काम पहले जरूरी होता है मेरे हिसाब से। और धर्म हमारा अलग है, धर्म हर एक विषय है, वो कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, या उससे बहुत ज्यादा अगर पुराना मंदिर है ऐसा है, मान लो कोई सोमनाथ का मंदिर आ जाए तो उसके साइड से करके निकाल दी जाए विकास कार्यों को, विकास कार्य सबसे प्रथम होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सड़क निर्माण के बीच पड़ने वाले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को हटाया जा सकता है। इस आदेश पर जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे और जनता से हमने बात की कि आखिर इस आदेश के बारे में उनका क्या कहना है। जनता का कहना है कि देश का विकास सबसे पहले है, अगर सड़क निर्माण में कोई भी चीज बाधा बनती है तो उसको हटाना ही प्राथमिकता है और सही भी है, लेकिन अगर वो चीज आस्था से जुड़ी हुई है तो सबसे पहले सरकार को प्रयास करना चाहिए कि उस चीज को हटाने से पहले उसकी उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ।